मिलन समारोह में मंच पे उपस्थित भारत सरकार के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई साधे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री ओम माथुर जी, झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री लक्ष्मण देवा जी, पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार में जनजाति मंत्रालय के हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष और प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, पद्मश्री से सम्मानित पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके आदरणीय करिया मुंडा जी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष सांसद श्री राम प्रचार नेतम जी, मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षगण, सभी सम्माननीय सांसदगण, सभी विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी और झारखंड विकास मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण, इस मिलन समारोह में उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मीडिया के साथियों, मैं सर्वप्रथम देश के लोकप्रिय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की बढ़ती प्रशासनिक जिम्मेदारी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में दिन रात अनवरत लगे हुए हैं। अति व्यवस्था के बावजूद भी हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने झारखंड आने के लिए समय निकाला, इससे पता चलता है कि झारखंड से उन्हें कितना लगाव है। मिलन समारोह में सम्मिलित होने के लिए झारखंड की 3.25 करोड़ जनता और भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बड़े हर्ष की बात है कि श्री बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में झारखंड विकास मोर्चा का भाजपा में विलय हो रहा है। मैं इस अवसर पर श्री बाबूलाल मरांडी जी के साथ साथ झारखंड विकास मोर्चा के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को बधाई के साथ साथ शुभकामना भी देता हूं। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया था और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को बनाया था। इनके नेतृत्व में झारखंड राज्य के विकास की शुरुआत हुई थी। प्रत्येक कारणों से श्री मरांडी जी भाजपा से अलग हो गए, लेकिन आज हर्ष का विषय है कि वे फिर से भारतीय जनता पार्टी परिवार का अंग बन गए। 2000 का भाजपा परिवार आज 2020 में फिर इकट्ठा हुए। मरांडी जी के आने से भाजपा मजबूत होगी, भाजपा नई ऊंचाइयों को छूने का काम करेगी। हम सब मिलकर मजबूती के साथ काम करेंगे। मरांडी जी ने मुख्यमंत्री रहते उग्रवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाए थे, बदले में उन्हें निजी नुकसान तक उठाना पड़ा था और जब उग्रवादियों ने उनकी पुत्र की हत्या की।
2019 के विधानसभा चुनाव में हमें वह सफलता नहीं मिली जिसकी हमें उम्मीद थी। हम जनादेश का सम्मान करते हैं। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी वर्षों से विपक्ष में बैठने का भी हमें तजुर्बा है। सालों भारतीय जनता पार्टी सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 40 वर्ष से विपक्ष की राजनीति करती आई। देश की जनता के कारण वाजपेयी जी और सदैव हमारे मोदी जी 2014 में सत्ता प्राप्त हुई और तब से लगातार देश और राज्य की जनता से इनकी सेवा हो। 5 साल की अवधि में झारखंड में भी हमारी सरकार ने झारखंड का चेहरा बदलने का काम किया। भ्रष्टाचार के लिए बदनाम झारखंड में हमारी सरकार ने एक विराट सरकार दी। पूरी ईमानदारी के साथ 5 साल जनता की सेवा की। दलालों और बिचौलियों को हमारी सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन नई सरकार ने अभी शुरुआत ही की है और अब फिर से सत्ता के गलियारों में दलालों और बिचौलियों का जमवाड़ा होने लगा। भारतीय जनता पार्टी मात्र पार्टी ऐसी है जो झारखंड के आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बारे में सोचती है और प्रतिबद्ध होकर सरकार बनने पर काम भी करती है। जो वर्तमान सरकार राज्य में है अपनी वादों को पूरा करने और पूर्ववर्ती सरकार के कामों को आगे बढ़ाने की बजाय आज बदले की भावना से काम करती दिखाई पड़ रही है। 5 साल में जनता के हित में जो बेहतर कार्य हुए थे उसे समाप्त करने में पूरी ताकत लगा रही है। वर्तमान सरकार झारखंड की इस समय सिर्फ एक ही काम रह गई है, कैसे पूर्ववर्ती सरकार को बदनाम किया जाए। परंतु उन्हें ये भी पता है इस कार्य में सफल नहीं होगी। झारखंड सरकार भारतीय जनता पार्टी ने 1 रुपये में हमारी राज्य की बहनें माताएं आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो, जहां 50 लाख की संपत्ति में रजिस्ट्री करने में सिर्फ मात्र 1 रुपये शुल्क लगेंगे, उसको भी बंद करने की वर्तमान सरकार की योजना है। उसी तरह देश हो झारखंड हो, ये भारत गांव का देश है, झारखंड गांव का देश है। जिस तरह हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के करोड़ों किसान को कृषि सम्मान योजना के तहत हर साल 6,000 रुपया दे रहे हैं, उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी पर एकड़ 5,000 रुपया अधिकतम 5 एकड़ किसान को 25,000 रुपये गरीब किसान को हमारी सरकार ने देने का निर्णय किया था और इस दिशा में 35 लाख किसान को 2 किस्त हमारी सरकार ने भी दे दी थी। लेकिन ये सरकार जो गरीब किसान को कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 5 एकड़ 5,000 अधिकतम 25,000 उसको भी बंद करने की साजिश कर रही है। इस तरह ये सरकार किसान विरोधी, महिला विरोधी, जन विरोधी सरकार के 3 महीने के अंदर होने जा रहे ये छवि बनाने का काम किए। इसी तरह कम समय में ही आज आम जनता बोलने लगे हैं कि झारखंड में उग्रवाद फिर से बढ़ गया, विधि व्यवस्था चौपट हो गई है, यह सरकार तत्कालिक लाभ के लिए देशद्रोहियों से पर बिना समीक्षा किए मुकदमे वापस कर रही है। भाजपा ऐसे कामों का, गलत कामों का लगातार विरोध करेगी।
और इस राष्ट्र विरोधी केस वापस लेने के कारण ही छह भाषा में गुड़गिया गांव में जिस तरह गरीब आदिवासियों का मां बेटा के सामने सर से धर हला करने का काम मैं झारखंड के पत्रकार मीडिया के भाइयों को साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने विस्तार से देश दुनिया में बताने का काम किया कि ये नई सरकार किस प्रकार गरीब आदिवासियों का नरसंहार करने का काम करवाई कर रही। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने सांसदों और विधायकों का आसाम उड़ीसा और झारखंड के सांसदों और विधायकों की एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने भी सारी रिपोर्ट पार्टी के अध्यक्ष हमारे आदरणीय गृह मंत्री को सौंपी है और आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी मांग की है ये जो नरसंहार गरीब आदिवासियों की हुई है उसका एनआईए से जांच की मांग की है।